पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में पिछले 11 माह से फरार चल रहे 15,000 के नामी अपराधी को गिरफ्तार किया है। अब आरोपी के खिलाफ पहले से ही आधा दर्जन से अधिक केस दर्ज हैं। एसएसपी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी सुनील से हैं उर्फ गोलू को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के खिलाफ केलाखेड़ा और थाना बाजपुर में बाइक चोरी के 8 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी अपने गैंग के साथ बाइक की चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए बाइकों को यूपी में बेच देता था। एसएसपी के निर्देश पर गैंग के सरगना गुरमित सिंह सहित 5 लोगों के खिलाफ इसी साल जनवरी को गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी। तब से आरोपी सुनील सिंह फरार चल रहा था, जिसके बाद आरोपी को 15,000 का इनाम रखा गया था। अब ऊधम सिंह नगर के केलाखेड़ा पुलिस ने आरोपी को थापा के नकला के पास से उसे गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया है, जहां से कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया है। ऊधम सिंह नगर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। पंद्रह हजार का शातिर ऑटो लिफ्टर, जिसके ऊपर 8 अभियोग थे ऑटो लिफ्टिंग का, और भारी मात्रा में ये ऑटो लिफ्टिंग करता था, और इसके ऊपर गैंगस्टर का भी अभियोग पंजीकृत किया था। तो गैंगस्टर में वांटेड अपराधी है, शातिर अपराधी है, उसका गिरफ्तारी हुआ है। एक अभियुक्त है, उसका नाम है सुनील सिंह उर्फ गोलू। तो गैंगस्टर में भी वांटेड चल रहा है और 8 अभियोग में भी वांटेड चल रहा है, इसकी गिरफ्तारी हुई है। ये कंबाइंड ऑपरेशन है केलाखेड़ा और गदरपुर पुलिस टीम का,